वेलकम टू माय चैनल वंदना दुबे होम कुक फूड। फ्रेंड्स, टुडे आई टीच यू हाउ टू मेक द अप्पे फ्राई। अप्पे इज मेकिंग फ्रॉम द सेमोलिना रेसिपी। आज मैं अप्पे फ्राई की रेसिपी बताऊंगी और ये सूजी वाले अप्पे हैं। चलिए तो आज हम बनाते हैं अप्पे फ्राई। दिस इज द सेमोलिना, 3 कप्स लाइक 250 ग्राम्स। 250 ग्राम मैंने सूजी ली है, 3 कप के बराबर। अब इसमें नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच, 1 टीस्पून सॉल्ट, आधी चम्मच डालेंगे सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 चम्मच डाल रहे हैं चिली, कोरिएंडर पेस्ट, ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर पेस्ट डाल दिया है मैंने, तो 1 चम्मच हरी धनिया और हरी मिर्ची का पेस्ट। एंड दिस इज़ द कर्ड, 1 कप कर्ड एंड 1 कप वाटर, 1/2 कर्ड एंड 1/2 वाटर आई मिक्स इट। 1 कप दही लिया है और 1 कप पानी मिला के रख लिया है। आप चाहे तो मट्ठा डाल सकते हैं इफ़ यू ऑल्सो यूज द बटर मिल्क इन दिस रेसिपी, इफ़ यू हैव नो योगर्ट कर्ड। मिक्स इट, एड इट स्लोली स्लोली, एड जस्ट लिटिल एंड मिक्स इट। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और इसे हमें 10 या 15 मिनट के लिए रखना है। दिस इज़ मिक्स एंड जस्ट लीव इट फॉर द 10 to 15 मिनट। तो हमने ये 10-15 मिनट के लिए रखा था, अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए फूल गया है, अच्छे से सूजी फूल गई है। अब हम इसके अप्पे बनाएंगे। सो आई यूज़ दिस ऑयल इन अप्पे स्टैंड, अप्पे स्टैंड इज़ द हॉट, आई एड लिटिल ऑयल। तो हमने अप्पे स्टैंड को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, एकदम मीडियम हीट पर रख लिया है, और इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाला है। अब हम इसमें बैटर डाल रहे हैं। नाउ आई एड द बैटर, जस्ट लाइक 2 टीस्पून बैटर इन ईच बॉक्स। तो हमने 2 चम्मच के बराबर डाला था, और ये देखिए डल गया अच्छे से। अब हम इसको बंद करके रखेंगे, सो लीड ऑन ओनली फॉर 2 मिनट, 2 मिनट के लिए। अब हम इसको देख लेते हैं, ये बनके तैयार दिख तो रहे हैं कि ये तैयार हो गए हैं, देखते हैं। ये देखिए तैयार है। सो नाउ दिस इज कुक वन साइड एंड आई टर्न ओवर अदर साइड आई कुक। तो हम दूसरी तरफ भी इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। सो वी जस्ट यूज़ वन टाइम ऑयल, नॉट मैनी टाइम, ओनली वन टाइम, फर्स्ट टाइम वी यूज़ द ऑयल एंड टर्न ओवर, अगेन वी डोंट यूज़ द ऑयल। सो दिस रेसिपी इज़ वेरी गुड बिकॉज देयर इज़ नॉट मच ऑयल। एंड लाइक दिस ऑल्सो वी ईट, विदाउट फ्राई ऑल्सो वी ईट लाइक दिस, बट टुडे आई कुक द फ्राई वन, सेलो फ्राई वन, दैट वन इज़ वेरी यम्मी। तो हम इस तरह से भी खा सकते हैं, दोनों तरफ जब कुक हो जाएं तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज मैं फ्राई वाले बता रही हूँ। तो ये देखिए पलट दिए मैंने। सो नाउ आई टर्न ऑल दीज अप्पे, आई यूज़ द हैंड लाइक दिस, सो माई डॉटर से यू फील नॉट हॉट एंड आई से नो। नाउ आई चेक अगेन अदर साइड ऑल्सो कुक। तो हमारे दूसरी तरफ भी अप्पे पक गए हैं, अच्छे से कुक हो गए हैं, दिस इज कुक। अब बच्चों को कौन समझाए कि हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, हाउस वाइफ, ये छोटे मोटे हाथ से छूना गरम मरम, ये तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। बच्चे इतने डरते हैं, मम्मी जल नहीं रही हो, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हो। सो आई टेक द फ्राई पैन, एड द 1-1.5 टेबल स्पून ऑयल, 1.5 चम्मच हम इसमें तेल डाल रहे हैं। एंड नाउ आई एड द मस्टर्ड सीड, 2 टीस्पून, 2 चम्मच राई डाल रहे हैं इसमें। एंड देन आई एड द लेंथल, दिस इज़ द 1 टेबल स्पून लेंथल, ब्लैक लेंथल बट विदाउट स्किन, दिस इज़ द ऑप्शनल। अगर आपके पास उड़द की दाल है धुली हुई तो 1 बड़ी चम्मच आप उड़द की दाल डाल सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है ये। 15 to 20 pieces फॉर द करी लीव्स, 15-20 मैंने कड़ी पत्ते डाले हैं। अब 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 टीस्पून टर्मरिक, एंड नाउ आई एड दिस अप्पे, कुक अप्पे टू फ्राई, सेलो फ्राई, सो आई डोंट फ्राई डी फ्राई, जस्ट सेलो फ्राई। तो बहुत से लोग इसे बिल्कुल तेल में निकाल लेते हैं, वो बहुत ही अनहेल्दी होते हैं। सम पीपल डी फ्राई दिस अप्पे, दैट वन इज़ वेरी अनहेल्दी, बट आई जस्ट सेलो फ्राई लाइक दिस, एंड दिस इज़ द वेरी यम्मी। सो टर्न अदर साइड एंड कुक 2 मिनट, इसको हम पलट के 2 मिनट तक पकाएंगे, 2 मिनट तक कुक करेंगे। अब हम देख लेते हैं, दिस इज़ नाउ ऑलमोस्ट डन, क्रिस्पी अप्पे इज रेडी। तो ये देखिए एकदम करारे अप्पे हो गए हैं, एकदम कड़क
कुरकुरे हो गए, लेकिन हम इसको ऐसे ही खाएंगे तो बहुत मस्त लगते हैं, रख देंगे तो मुलायम हो जाते हैं। एंड दिस इज द चाट मसाला, एक चम्मच हमने चाट मसाला डाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला। एंड दिस इज द चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून, दिस इज ऑप्शनल, इफ़ यू हैव नो चिली फ्लेक्स देन यू ऐड द नॉर्मल चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप 1/2 चम्मच लाल मिर्ची डाल सकते हैं। एंड दिस इज द मैगी मसाला, नाउ एट द एंड वी ऐड द मैगी मसाला एंड दिस इज रेडी। अब तैयार है हमारे अप्पे मैगी मसाला डालने के बाद, एंड दिस इज वी इंजॉय विथ चटनी और विथ सॉस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई रेसिपीज। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।